उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर जमकर हंगामा हो गया। महिला हेडमास्टर ने उसकी बिना ही अनुमति के स्कूल में कार्यक्रम रखने पर नाराजगी जताई और बीजेपी विधायक से उलझ गई। इस पर बीएसए ने हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया। मामला उच्च प्राथमिक विद्यालय औरल का है। ब्रह्मा कोई नहीं है, जानकारी नहीं है, ये चीज ये पंचायत भवन है, ब्रह्मा कोई ग्राम समाज का है, पंचायत सस्पेंड करा के हमारी जान नहीं ले लेंगे, हमारी रोटी यहीं से नहीं चलती। मैं सही बात कर रही हूँ, इसलिए मैं आपकी नजर में गलत यही कहा जाता ना कि चलो मैडम बोलना भूल गए अभी बैठ जाओ। मैं औचित्य ही नहीं, दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर रविवार 25 दिसंबर को एरल के उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यक्रम रखा गया था, जिसके मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक पीयूष रंजन निषाद थे। कार्यक्रम चल ही रहा था और प्रधानमंत्री मोदी मन की बात कर रहे थे, तभी स्कूल की हेडमास्टर कल्पना त्यागी वहाँ पहुँच गयी और हंगामा करने लगी। कल्पना त्यागी ने कहा, बिना अनुमति के विद्यालय परिसर का प्रयोग क्यों किया जा रहा है। इस पर बीजेपी विधायक पीयूष रंजन निषाद ने समझाया कि आज रविवार का दिन है और यह कार्यक्रम पंचायत भवन में हो रहा है, इसलिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं थी। इस पर महिला हेडमास्टर और नाराज हो गई और कार्यक्रम बंद करने की जिद करने लगी। बीजेपी विधायक पीयूष रंजन निषाद ने हेडमास्टर को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। आयोजकों का कहना था कि वह कार्यक्रम उच्च विद्यालय में नहीं बल्कि परिसर में बने पंचायत भवन में हो रहा था, फिर भी महिला हेडमास्टर नहीं मानी और हंगामा करती रही। इस बीच किसी ने 1090 पर फोन कर पुलिस को बुला लिया। पुलिस के आते ही हेडमास्टर कल्पना त्यागी और नाराज हो गई, फिर विधायक पीयूष रंजन निषाद से उलझ गई। इस बात से हैरान विधायक ने डीएम को फोन किया और डीएम ने बीएसए को फोन कर इस बात की जानकारी दी, फिर बेसिक शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद महिला हेडमास्टर कल्पना त्यागी को सस्पेंड कर दिया गया। बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी के मुताबिक शासकीय कार में कार्यवाहक प्रधान अध्यापिका कल्पना त्यागी ने विघ्न उत्पन्न करने की सूचना डीएम साहब के द्वारा दी गई थी। प्राथमिक जांच में हेडमास्टर कल्पना त्यागी की गलती पाई गई, जिस पर उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और उनके काम और व्यवहार की जांच की जाएगी।